नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ग्राउथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CRT टीवी में नो राष्ट्र फॉल्ट के बारे में। देखिए मेरे पास ये टीवी है और टीवी ऑन भी है लेकिन इसमें राष्ट्र नहीं आ रहा। इसकी सप्लाई भी सही है, ESD भी सही है लेकिन फिर भी हमें कोई राष्ट्र यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो हम इसका सबसे पहले वोल्टेज चेक करके देखेंगे। तो मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन इसके SMPS सप्लाई के 110 वोल्टेज चेक करेंगे। तो मैं इसे मल्टीमीटर को DC की रेंज में कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रहे हैं 114 वोल्ट के करीब, हमें यहाँ पे सप्लाई में मिल रहे हैं जो वोल्टेज सही है। और अब हम चेक करेंगे इसके वीडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर के वोल्टेज 180 वोल्ट के आसपास हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये भी सही है। और अब हम इसके हीटर के वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ हीटर के वोल्टेज। देखिए यहाँ पे 3.7 वोल्ट के करीब यहाँ पे हीटर फिलामेंट के लिए जो सप्लाई जाती है वो भी सही है। ये देखिए फिर भी हमें यहाँ पे कोई राष्ट्र नहीं मिल रहा है। ESD भी हमारी बन रही है। और अब ये देखिए वर्टिकल सेक्शन के लिए जो सप्लाई जाती है उसके वोल्टेज भी आप देख लीजिए, 27 वोल्ट के करीब हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अपना सर्किट सब सही है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे कोई राष्ट्र नहीं मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ESD बनने को चेक करेंगे। ये फिलामेंट भी अच्छे से यहाँ पे जल रहा है फिर भी हमें यहाँ पे कोई राष्ट्र नहीं मिल रहा। दोस्तों ये फॉल्ट मेरे पास कई बार आ चुका है तो आज फिर से फॉल्ट आया तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ESD बनने को चेक कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ ESD कैसे चेक की जाती है। तो मल्टीमीटर को मैं AC की रेंज में रख देता हूँ और ब्लैक वाली प्रोब को मैं ग्राउंड पे लगा देता हूँ और रेड को मैं इसकी ESD की कोर पे लगा के देखता हूँ। यहाँ पे ESD अगर अपनी बनती है तो वोल्टेज दिखाने लगता है। ये वोल्टेज दोस्तों ESD बनेगी तभी हमें यहाँ पे मिलेंगे। अगर ESD नहीं बनती है तो हमें यहाँ पे वोल्टेज कोर पे लगाने से कोई वोल्टेज नहीं मिलते। ESD बन भी गया है और फिर भी हमें राष्ट्र तो नहीं मिल रहा है। तो अब CRT बेस पे चेक करेंगे। अपन तो इसका एक स्क्रीन वोल्ट ESD पे जो लगा होता है स्क्रीन कंट्रोल, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ बढ़ा करके। इसको भी मैंने एडजस्ट कर लिया लेकिन फिर भी हमें राष्ट्र नहीं मिल रहा। दोस्तों आपके पास भी ऐसा फॉल्ट आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्त ये देखिए ESD को मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये ESD यहाँ पे बन रही है अच्छे से, ESD वर्क कर रही है। अब हम इसके CRT बेस के वोल्टेज देखेंगे, वहाँ पर भी ये वोल्टेज हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। दोस्तों बड़ी आसानी से इसे निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वीडियो आउटपुट के वोल्टेज चेक करके दिखाने वाला हूँ आपको। ये मेरा CRT बेस भी अच्छे से वर्क कर रहा सही है। तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर के लिए जो सप्लाई बनती है
वो मैं यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिल रहे हैं 181 के करीब वोल्टेज, 178 के करीब वोल्टेज यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ पे G2 पॉइंट पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। G2 पॉइंट पे बूस्ट वोल्टेज हमें इस स्टेज से आते हैं वो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, जो इसी पे कैपेसिटर पे एस टी से बूस्ट वोल्टेज का वो जो ये वायर है ये एस टी से आता है, इस पर हमें यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं मिल रहे हैं। ये वायर भी सही है। तो दोस्तों इसके लिए अपन को ये कैपेसिटर को चेक करना होगा। ये कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से हमें यहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिलता है, और इसे अपन चेक करेंगे। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। शॉर्ट हो जाता है कैपेसिटर, तब ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं। तो मैं इसे चेक करके देखाता हूँ। और ये पीएफ कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ। तो पीएफ कैपेसिटर चेक करने पर हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखाता, अगर सही कैपेसिटर होगा तो। ये शॉर्ट होने पर, तभी होने पर ही हमें ये कंटिन्यूटी दिखाता है। ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है, शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो हमारा ये कैपेसिटर ख़राब हो चुका है, और इसकी वजह से ही हमें यहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस टी से जो वायर आता है उसके वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं। देखिए ये शॉर्ट हो चुका है, तो अपने से चेंज करेंगे, नया लगाएंगे। ये देखिए तो इसके मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। तो इसके नंबर अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इसके नंबर आपको मैं बता देता हूँ। 102 के और 2 KV का ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो अपन इसी नंबर का दूसरा वाला नया कैपेसिटर लगाएंगे। लेकिन साफ नहीं दिख रहा है, तो मैं दूसरा कैपेसिटर आपको दिखाता हूँ, ये वाला कैपेसिटर। इसके भी आप नंबर देख लीजिए, 102 के और 2 KV यहाँ पे इसकी नंबरिंग है। तो इसके भी अपन चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा। तो ये कैपेसिटर अपना सही है, ये कैपेसिटर शॉर्ट होने पर ही कंटिन्यूटी दिखाता है। तो इसे अपन लगाएंगे, तो मैं इसे लगा देता हूँ। दोस्तों आपके पास भी ऐसा फॉल्ट आया है कभी तो मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छे से इसके सोल्ड कर दूंगा। और फिर सब अपन इसे ऑन करके देखेंगे। दोस्तों आप CRT बेस को लगाइए, तब बहुत ही सावधानी से लगाएं। तो मैं इसे सप्लाई देके ऑन करके देखता हूँ। ये सप्लाई के मेन लीड है, तो मैं इसे लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये मेरा टीवी ऑन हो चुका है, इसी कैपेसिटी की वजह से यहाँ पे
ईएसटी से जो बूस्ट वोल्ट आते थे वो ड्रॉप हो चुके हैं, इस वजह से ये पार्ट बना हुआ है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।